आज हम बात करने वाले हैं कि नेवी बायस क्लासिफायर के अंदर जो एग्जांपल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं अक्सर, उसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो दिस इज आर एग्जांपल नंबर फर्स्ट और आपको बताऊंगा कैसे सोल्व करना है। तो हमको ये पूरा एक डेटा सेट गिवन होगा एग्जाम के अंदर, और अपन को सपोज करो एक्स इक्वल टू ये गिवन होगा कि रेड एसयूवी एंड डोमेस्टिक तीनों के केस के अंदर बताओ कि क्या ये स्टोलन कार है या नहीं है, ठीक है, यस या नो के केस में बताना है। तो नेवी बायस एल्गोरिथम को करने के लिए अपन को एक फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स कोमा सॉरी एक्स बाई वाई इक्वल टू पी ऑफ वाई बाई एक्स डॉट पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स सॉरी पी ऑफ वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन को सिंपली याद रखना है जिसके थ्रू अपन ये करने वाले हैं। तो देखो अपन को एक्चुअली क्या निकालना क्या है, पी ऑफ एक्स ऑफ यस के केस में, ठीक है, एंड पी ऑफ वाई सॉरी एक्स ऑफ नो के केस में, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, फिर बताएंगे कि कार स्टोलन है या नहीं है। तो अपन तो सर इसमें टेबल को देख के भी तो कर सकती है डायरेक्टली कि रेड एसयूवी और डोमेस्टिक। देखो अब यहाँ पर रेड मिल गया, ठीक है, रेड के साथ एसयूवी है क्या, ये रही, लेकिन यहाँ पर क्या है इंपोर्टेड। डोमेस्टिक आया क्या, अगर यहाँ डोमेस्टिक आता तो अपन डायरेक्टली बता देते येस या नो, लेकिन ऐसा केस नहीं है इसलिए हमें यह फाइंड आउट करना पड़ रहा है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले अपन को P ऑफ x बाई यस के लिए निकालना है। x एक्चुअली क्या है, रेड है, SUV है और डोमेस्टिक है, तीनों के लिए अलग अलग करके यस के केस में निकालते हैं, फिर नो को निकालना इससे भी इजी होगा, वो बताऊंगा कैसे करना है। तो सिंपली अगर अपन P ऑफ रेड बाई एक्स सॉरी यस यस के केस में निकाले तो इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया, P ऑफ यस बाई रेड डॉट पी ऑफ रेड डिवाइड बाई पी ऑफ यस, राइट। अब देखो यस होगा जब रेड होगा, तो अब आपको देखना है यहाँ पर रेड कितने टाइम है, 1, 2, 3, 4, 5, इसके कोरोस्पॉन्ड देखो यस कितने टाइम है, 1 टाइम 2 टाइम एंड आपका 3 टाइम, और कितने रेड थे 5, तो 5 में से आपको 3 यानी 3 आउट ऑफ 5, तो यहाँ पर क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 डॉट ओनली रेड के केस में। तो रेड देखना यानी कलर कॉलम में आ जाओ, टोटल कितनी एंट्रीज है 10, 10 में से रेड कितने टाइम आए, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम आए, तो ये हो गया 5/10, राइट। अब पी ऑफ यस देखना है तो केवल स्टोलन वाली कैटेगरी में आ जाओ, वहाँ पे देखो यस कितनी टाइम है, 1, 2, 3, 4, 5 आउट ऑफ 10, तो यहाँ पर 5/10 हो जाता है, तो ये यहाँ से कट गया और डायरेक्टली अपन को वैल्यू मिल गई 3/5। यहाँ तक आए समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जिस प्रकार से रेड के लिए निकाला था वैसे ही एसयूवी के लिए निकालते हैं, तो यस बाई एसयूवी की वैल्यू देखो, एसयूवी कितने टाइम है, 1, 2, 3, 4, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यस कितने टाइम है, 1, तो यहाँ पर आ गया 1/4। एसयूवी कितना है आउट ऑफ 10 में, 4 टाइम, तो 4/10, और आपका यस था 5/10, तो यहाँ वैल्यू निकलती है 1/5। इसी प्रकार डोमेस्टिक बाई यस के केस में देखो, तो यस बाई डोमेस्टिक देखे, डोमेस्टिक की वैल्यू यहाँ पर 5, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यस देखे तो 2 टाइम, तो 2/5, डोमेस्टिक कितने टाइम है 5 आउट ऑफ 10, तो 5/10, एंड यस के केस में आ गया वैल्यू 5/10, 5/10 से 5/10 कर गया, आपकी वैल्यू आ गई 2/5। तो यस के केस में अपन ने निकाल दिया रेड एसयूवी डोमेस्टिक। अब नो के केस में अपन को क्या करना है, रेड बाई नो करोगे, फिर नो बाई रेड, रेड यहाँ पे नो, फिर यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो क्या अपन को इतना लंबा करने की जरूरत है, तो एक देखो ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। तो सिंपली अपन को प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पता है कि यस और नो इक्वल टू 1 होता है, ये पढ़ चुके हो ना आप टेंथ क्लास से पढ़ते आ रहे हो शायद आप प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ तक आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करते हैं, 1-P कर देते हैं सिंपली, राइट। तो यही अप्रोच अपन को यहाँ पे लगानी है, तो इस अप्रोच को फॉलो करते हुए मेरे को बताओ पी ऑफ रेड बाई नो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1-3/5 विच इज इक्वल टू सर 2/5, वेरी गुड। पी ऑफ एसयूवी बाई नो की बताओ मुझे सर, 1-1/5 विच इज इक्वल टू 4/5, राइट। एंड फाइनल वन पी ऑफ डोमेस्टिक की वैल्यू मुझे बताओ, डोमेस्टिक बाई नो के केस के अंदर वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 1-2/5 विच इज इक्वल टू 3/5, राइट। अब अपन को इन सब की वैल्यू मिल गई है येस और नो के केस में, बट अपन को निकालना क्या है, एक्स बाई येस, एक्स क्या है अपना तीनों को मिला के। तो देखो यहाँ पर फाइनल वैल्यू कैसे निकलेगा, पी ऑफ एक्स बाई येस की वैल्यू कैसे निकलती है, तो देखो यहाँ पर येस के केस है तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी आएगी येस की, येस की आ गई मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ रेड बाई येस मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एसयूवी बाई येस पी ऑफ डोमेस्टिक बाय यस, इन सब की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकाली थी, 5/10 यानी कि 1/2 या 0.5 बोल दो आप। इसकी वैल्यू कितनी निकली थी, 3/5 सर, इसकी वैल्यू 1/5 सर, और इसकी 2/5, 2 से 2 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 3/125, यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है 0.024।
राइट। अब इसी प्रकार आपको निकालना है पी ऑफ एक्स बाई नो की, तो कैसे निकलेगा, पी ऑफ नो की मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ रेड बाई नो की सर, मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एस यू वी बाई नो की सर, एंड देन पी ऑफ डोमेस्टिक डोमेस्टिक बाई नो की सर, राइट। तो अपन ने यहाँ वैल्यू निकाली इसकी 1/2 आ गई, 5/10 वही 1/2, ठीक है। इसका वैल्यू कितना निकाला था अपन ने, 2/5, देन दिस इज 2/5, योर 4/5 एंड योर 3/5, यहाँ से यहाँ कट गया, ये हो गया आपका 12/125। तो एक्चुअली क्या है, 3 × 4, 3 × 4, तो 4 × 0.024 विच इज इक्वल टू 16.9, तो 0.00। सो देखो यहाँ पर 0.096 यहाँ पर वैल्यू निकलती है। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ऑब्वियसली पी ऑफ, तो अपन फाइनली कह सकते हैं पी ऑफ नो इज ग्रेटर देन पी ऑफ एक्स बाई एस, राइट। अगर ऐसा है देयरफॉर यहाँ पे स्टोलन नहीं हुई है, ठीक है, सो नो, नो आपका आंसर होगा। यहाँ पर आपकी ये वाली कार कौन सी, जो हमने सैंपल निकाला था रेड एसयूवी डोमेस्टिक तीनों को मिला के, वो कार स्टोलन नहीं हुई है, हमने प्रेडिक्ट कर दिया। सो होप तो आपको समझ में आया होगा अपन को इन दोनों की वैल्यू कैसे निकालनी है, यानी इन दोनों की, इसके लिए हमें इसकी 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 वैल्यू मिलनी चाहिए, इन तीनों की वैल्यू निकालते हैं, ये निकालना तीनों बहुत आसान है। होप तो आपको समझ में आया होगा, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड अपने ग्रुप्स के अंदर, एंड जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ।